आज हम लोग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। मतलब ये तो मजा आया था कॉन्सेप्ट करके, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज को नोट करना है बेटा कि हमें इसको नोट करना है। पता क्या नोट करना है, मैं बताता हूं। तुम्हें नोट करना है कि तुम्हारे पास ना ये लिख लो कॉपी पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम यू कैन से द चेंजेस या displaces only when some external force is applied. Only when some external force is applied. Oh. Yes, अभी ठीक है ना। Only when some external force is applied, बेटा। मतलब हम ये बोलते हैं बेटा कि जब भी हम लोग कुछ भी बाहर से फोर्स लगाते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा डिस्प्लेस होता है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक एग्जांपल शेयर किया था कि एक रॉड है हमारे पास, ये वाला, और इस रॉड के सेंटर में तुम जब फोर्स लगा रहे हो ये रॉड डिस्प्लेस हो रहा है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ओके, ये इनिशियल है और दूसरा क्या है, फाइनल। तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम विल डिस्प्लेस ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, ठीक है। तो तभी ये लोकेशन पहले यहां पे था, अभी यहां पे आ गया, इसलिए इसका बोला जा रहा है। बट शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज नॉट due to internal forces. Internal forces के कारण बेटा कभी भी center of mass shift नहीं होगा। मैं तुम्हें एक example शेयर करता हूं। देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, two point masses m1 and m2 are held at a distance small d apart, when released, they approach क्या बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेयर डू दे कोलाइड, वेयर डू दे कोलाइड, कहां पे कोलाइड होंगे, ये तुम्हें पूछा जा रहा है, ठीक है। सुनो मेरी बात, तुम्हें ये दिया गया, ये तुम्हारे पास एक बॉडी है, पॉइंट मास है m1, ये बेटे एक पॉइंट मास है m2, इन दोनों के बीच में जो तुम्हें दूरी दे रखा है बेटे, ये r दे रखा है, और ये मान लो बेटा
सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तुम्हें बोला जा रहा है कि कहां क्लाइड करेंगे, वेयर डू दे क्लाइड, मतलब ऑप्शन आ गई बिफोर सी, सी से पहले, सेकेंड ऑप्शन आ रही है एट सी, सी के ऊपर, थर्ड ऑप्शन आ रही है आफ्टर सी या बियॉन्ड सी, मतलब सी के इधर, ये इधर या इधर या इधर, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है, तो हमें इसका आंसर आएगा ए एट सी वाला सेकेंड। पूछो क्यों, क्योंकि इनिशियली बेटा ये दोनों मासेस जो थे ये दोनों रेस्ट पे थे, तो इनका सेंटर ऑफ मास ये लोकेशन था। अब जब तुम इनको रिलीज कर दोगे तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, और जब ये इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से ये अप्रोच करेंगे ऐसे और ऐसे, तो जब ये बेटा अप्रोच करेंगे तो ये फाइनली अपना कोलिजन कहां पे शुरू करेंगे, कोलाइड कहां पे करेंगे, सी के ऊपर ही। क्योंकि अगर तुम बोलो सर यहां पे कोलाइड कर गए तो बेटा सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर से हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, और इंटरनल फोर्स जो होता है बेटे, जो इंटरनल फोर्स होता है बेटे, इट नेवर शिफ्ट्स, लिख लीजिए कॉपी में सेंटर ऑफ मास, ये कभी भी सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करता, ये कभी भी सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करता, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब सुनो मेरा पॉइंट, अब मैं तुम्हें कुछ इनकी वैल्यूज के बारे में बताता हूं, इसका एनालिसिस करते हैं। सुनो बच्चों, बच्चों तुम्हें पता है आर वेक्टर का नाम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन था, इसका वैल्यू तुम लिखते थे m1 plus m2 अगर टू मासेस के लिए लिखो, तो अगर तुम लिख दो सर डेल्टा आर, लिख देते हैं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ये किसके बराबर आ गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1 डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू बाय एम वन प्लस एम टू। अब तुम बोलोगे सर डेल्टा आर वन क्या है, डेल्टा आर क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटे फाइनल आर माइनस इनिशियल आर। तो डेल्टा आर वन क्या है, तो तुम बोलोगे आर वन फाइनल माइनस आर वन इनिशियल। तो डेल्टा R2 क्या है, R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल, ये हमारे पास शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास है। और अगर तुम बोलोगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स बट ओनली इंटरनल फोर्स, If present or not, doesn't matter. तो क्या होगा, तो डेल्टा आर का वैल्यू बेटा तुम्हारे पास जीरो होगा, शिफ्ट एंड सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। सो यहां से तुम देखोगे इस इक्वेशन से तो तुम्हारे पास बेटे एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू के बराबर आ जाएगा जीरो। और जबरदस्त पॉइंट ये है बेटा, ये तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद m1 r1 i प्लस m2 r2 i इज इक्वल टू m1 r1 f प्लस m2 r2 f, ये रिजल्ट आएगा। मैं बेटा f फॉर फाइनल, i फॉर इनिशियल लिख रहा हूं, बच्चे याद हो गए, मतलब सिंपल है, मैं तुम्हें सिंपल बता दूं क्या करना है, यहां पे तुम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, यहां पे तुम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे और यहां पे तुम फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, कहानी ये है, बस यही कहानी है। क्योंकि तुम्हें बोला अभी मैंने डेल्टा आर क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई, अब जब तुम इसको जीरो ही पुट कर दोगे
तो बच्चो मन के सचो, तो आर एफ और आर आई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना बेटा, आर आई और आर एफ दोनों इक्वल। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चो क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स दोनों के इक्वल हैं। आर आई इज इक्वल्स टू आर एफ, ये रिजल्ट है हमारे पास। ओके, इसको याद रखिएगा ठीक है, ये फॉर्मूला को, मतलब मास के साथ इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिखना है, बस वही रिजल्ट आएगा। ओके, फिर इसके बाद इसका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है और सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करते हैं, पर हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कशन करते हैं। सो आई एम गिविंग यू अ सिंगल मिनट, हैव अ लुक जो हमने किया है, जल्दी जल्दी से बेटा। ओके बेटा, अब देखो मैं तुम्हें इसमें क्या बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन है एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन है अ बीड ऑफ मास 2m, बीड ऑफ मास 2m कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ रॉड पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द बीड, इज अटैच्ड टू द बीड बाय अ लाइट स्प्रिंग of length L, by a light string of length L, initially the particle is held horizontally in level with the bead ke saath and string held just taut। beta main sari english aapko samjhaunga, mere ko aati hai english, tension na lena theek hai, abhi sirf likhne ki dhyan dena। क्वेश्चन तो में बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस
find the distance to which bead will move when string has turned to an angle theta. With the horizontal, with angle theta, with the horizontal. ये हमें बोला गया इसमें, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मीनिंग क्या। सुनो, बहुत सिंपल है। देखो, ये एक ऐसे हमारे पास एक रॉड है, जिसको हमने ऐसे सपोर्ट में रखा हुआ है, ठीक है बेटा? और बीट समझ दो ना, जैसे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो बीट पकड़ते हैं, बीट समझ दो ना, वो माला जिसको बोलते हैं, माला है ना ये। तो यहां पे तुमने इसको टॉट करके रखा और ये आ गया, और इसका मास 2m रखा और इसका मास तुम्हारे पास m आया। अब हुआ क्या, तुमने इसको रिलीज कर दिया। मेरे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी एक एक क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें सारे के सारे फंडामेंटल होते हैं। फिर जबरदस्त, मेरा पॉइंट सुना, बहुत जबरदस्त, ठीक है। कंडीशन फिर से वही है, ये वाली बीट इधर है, ये इधर है, पर होगा क्या तुम्हें भी पता है, ये ऐसे नीचे को आएगा और ये इधर को ट्रांसलेट करेगा। सुनो मेरी बात, अगर तुम इसको फिक्स कर देते और इसको यहां से छोड़ते तो ये ऐसे एक आर्क डिस्क्राइब करता, पर अब हुआ क्या, ये आगे जाएगा और ये भी इस हिसाब से थोड़ा सा आगे जाएगा, पर ये सर्कुलर आर्क में तो आएगा, पर ये थोड़ा सा टिल्ट होके आएगा, ठीक है। अगर इसको तुम फिक्स कर देते, मैं ये बोला तुम्हें, अगर तुम इसको फिक्स कर देते तो ये आर्क प्रोड्यूस करता, आर्क में आता, पर ये नहीं आएगा। तो हुआ क्या, ये यहां से मान लो बेटा यहां तक डिस्प्लेस हो गया, ये पोजीशन पे ये बीड, और इसके करस्पॉन्डिंगली ये जो मास एम था ये अब यहां तक आ गया, और ये बीड है जो स्लाइड कर गया, मतलब इस लोकेशन से बेटा ये आगे तक आ चुका है एक्स, ठीक है। अब ये लेंथ तो एल ही है, पर इसने ये वाला एंगल बनाया थीटा, ये वाला एंगल बनाया थीटा। तुम्हें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बताओ कि बीड का एक्स का वैल्यू क्या है, फाइंड एक्स। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर से तुम्हें इंग्लिश में बता देते हैं, एक बीड है जिसका मास 2m है, और वो एक रॉड जो हॉरिजॉन्टल है उस पर स्लाइड कर सकता है, और उसके साथ हमने एक पार्टिकल अटैच किया जिसका मास m है, और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो l है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उसको टॉट करके रखा है, मतलब इसके अंदर स्ट्रेसनेस ऑलरेडी है, बहुत ज्यादा नहीं पर स्ट्रेसनेस है। फिर तुमने m मास को रिलीज कर दिया, तो मैंने तुम्हें बताया अगर तुम इसको फिक्स करते तो ये एक आर्क डिस्क्राइब करता, अब अगर ये फिक्स नहीं है तो ये भी आगे जाएगा, तो ये भी थोड़ा आगे जाएगा, इसकी वजह से वो आर्क तो बनाएगा पर वैसी आर्क नहीं बनाएगा जैसा अगर इसको फिक्स करके बनाया जाता, पर बनाएगा तो सही आर्क ये वाली, ठीक है। सॉर्ट ऑफ दिस बॉडी, दिस ब्लॉक हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन एट एन एंगल थीटा, और initially the particle is held horizontally. उसको हमने horizontally पकड़ के रखा हुआ है in level with the bead. ये जो bead है और इसके बिल्कुल same level पे रखा हुआ है इनको, ठीक है। उसके बाद इसको release कर दिया theta angle पे, तो x निकालना, बस ये question।
मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं, इसको ध्यान में रखना। देख बच्चो, तुम लोग इसमें ये याद रखोगे, दो चीजें तो हमेशा याद रखना है जिंदगी में, कौन सी? कि बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करेगा। अब इसमें तुम समझ पा रहे हो, वर्टिकल में हमारे पास ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी वर्टिकल में हमारे पास ग्रेविटी लग रही है, मतलब एमजी नीचे को लग रहा है, इधर भी एमजी नीचे लग रहा है, रॉड इधर लगा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर को लग रहा है, तो हमारे पास वर्टिकल में ग्रेविटी लग रही है। मतलब तुम ये बोल दो कि वर्टिकल में फोर्सेस लग रही है, वर्टिकल में फोर्सेस लग रही है, इट मींस वर्टिकल डायरेक्शन। तो नॉर्मली बच्चे तुम इसका नाम वाई एक्सिस लिखते हो, इसका नाम तुम एक्स लिखते हो। तो मैं तुम्हें क्या बोलने जा रहा हूं कि डेल्टा वाई जो आएगा तुम्हारे पास ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस लग रही है। और डेल्टा वाई का मतलब क्या था बेटा? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। डेल्टा वाई का मतलब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस। पर इसमें वाई एक्सिस में कुछ भी चेंज नहीं है, सॉरी वाई एक्सिस में तो चेंज आएगा क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस लग रही है। और हॉरिजॉन्टल में देखोगे, हॉरिजॉन्टल में फोर्स जरूर है पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो इस वजह से तुम डेल्टा एक्स लिखोगे जीरो के बराबर। देयर इज नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लिख सकते हो कॉपी पे। सो इन दिस कॉन्सेप्ट, लिखिए यहां पे, इन दिस कॉन्सेप्ट देयर इज shift in center of mass, only in the vertical direction, but not in the horizontal direction. पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा। सो फाइनली हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये समझने वाली बात है। देखो एक बार, अगर तुम मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, समझ भी लगेगा। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, ये 2m है, ये m है, इसको तुम ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आगे को बीट शिफ्ट कर गया, एक्सिस्टेंस, और ये मास ऐसे इस एंगल थीटा पे आ गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बोलूं बता बेटा ये एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम वही बोलोगे एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू, तुम इसका नाम एम वन कह दो, इसका नाम तुमने ओरिजिन रखा हुआ है, तो टू एम तो ऑलरेडी ओरिजिन पे रखा तुमने बेटा, और ये कितना दूरी पे रखा तुमने, एल डिवाइडेड बाय टोटल मास आ गया 3m। अब इसका फाइनल कोऑर्डिनेट मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा अभी क्या बोलोगे 2m, तो तुम बोलोगे सर 2m इनटू x आएगा, क्योंकि ये x डिस्टेंस आगे आ गया, प्लस ये मास m है, ये देखने वाली बात है बेटे। तुम्हें यहां से बताना है ये वाली दूरी कितनी है, समझ गए, ये वाली दूरी, क्योंकि इस मास के लिए दूरी बतानी है ना, इस मास के लिए हॉरिजॉन्टल दूरी बतानी है ना, एक्स वाली कितनी है। ये बेटा तुम्हारे पास थीटा है और ये तुम्हें पता ही है ये एल है, तो ये कितना आएगा, एल कॉस थीटा, ये कितना आएगा एल कॉस थीटा, और ये कितना है एक्स, ये आ गया एम इंटू एल कॉस थीटा
प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3m। तो हमने अभी लिखा ही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे बेटा, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट दोनों के x के इक्वल है। तो बेटा तुम्हारे पास ये आ गया m इंटू एल बाय 3m इज इक्वल टू 2mx प्लस ml cos थीटा प्लस mx डिवाइडेड बाय 3m। 3m और 3m कट गए, 3m और 3m, और यहां से m भी कट गया। ये बेटे आ गया l, m कॉमन है बेटे, कट जाएगा, है ना। l आ गया, l इज इक्वल टू बेटा व्हाट 3x प्लस l cos थीटा। यहां से बेटे तुम्हारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, l माइनस 1 माइनस cos थीटा बाय 3, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अरे समय लग गया, क्या किया, मतलब बहुत सिंपल किया, बहुत सिंपल। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, टेंशन ना लो, फिर से बता रहा हूं ये, क्योंकि मेरे को पता है एक बार एक बेसिक क्लियर हो गया बड़ा जबरदस्त वे में, तो बाकी कभी दिक्कत होती नहीं है। तो ये बीड था, यहां पे रखा, यहां पे इसका मास तो 2m है, इसका मास m है, इसका नाम तुमने ओरिजिन ले लिया, क्योंकि बोला गया था ये डिस्प्लेस होगा। कैसे डिस्प्लेस होगा, क्योंकि जब तुमने इसको रिलीज कर दिया m को, ये बीड थोड़ा आगे आ गया, ये बीड अगर आगे आ गया तो ये मास जो था थोड़ा काउट पास में आएगा, और ये मास इधर आ जाएगा, ये एंगल थीटा पे, और ये एंगल तुम्हारे पास आ जाएगा x, और ये आ जाएगा l। बस कहानी खत्म। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, की एक्सटर्नल फोर्स में कुछ भी तुम नहीं लगा रहे। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चो, ओ बच्चो क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, देखो एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैं तुम्हें अब ये ऐसे बना के दे देता हूं, ये बेटा एक हेमिस्फीयर है, वाओ जबरदस्त बन गया, एक हेमिस्फीयर है, और इसका मास तुम्हारा कैपिटल एम है, ठीक है। और यहां पे बेटा तुमने इसके बिल्कुल ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है स्मॉल एम। तुम्हें क्वेश्चन ये बोला गया है, अब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, इसको वेज बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग वेज बोलते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज व्हेन व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एम इज एट एन एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं इसका मीनिंग क्या है, सुनो। ये आ गया, अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, तुम ये देख पा रहे हो डायग्राम में भी, ये जब वेज यहां पे पहुंचा तो ये था ना ओ पॉइंट, इसका नाम तुम ओ डैश कर दो, ठीक है। ये बेटे एंगल थीटा पे पहुंच गया, आर इसका रेडियस, तो तुम ये देख पा रहे हो, इसको तुम ओरिजिन मान लो, ये वाला, इसको इसको ओरिजिन मान लो, और ये गलती से इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे या पीछे कंसिडर कर लेते हैं,
ठीक है, उसको तुम मान लो कि ये यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, वो एग्जैक्टली क्रॉस कर रहा था ना, उसको या आगे करूं या पीछे करूं, बस वही चीज, ये आर आ गया और ये आ गया और ये आ गया एक्स, और यहाँ इसके लाइन के पीछे लेते या आगे लेते, मतलब ऐसा करके था कुछ। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड एक्स करना है, एक्स को फाइंड करना है। बस कहानी कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक बार, ये वेज का एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये ओरिजिन है, अगर इस तरफ तुम्हारे पास एक्स एक्सिस आ गया, इस तरफ तुम्हारे पास वाई आ गया, तो वाई में नो डाउट फिर से तुम यही बोलोगे कि नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। इसका बोले तो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल आर इक्वल, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल आर इक्वल। अब देखो इसका भी जो मास है सारे का सारा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखने का है अपने को, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका तो एक्स इनिशियल तो जीरो ही है, इसका एक्स इनिशियल तो है ही नहीं, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है और ये भी ऑलरेडी वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या नेक्स्ट, एक्स फाइनल, फाइनल में क्या हुआ, ये मास एम है, ये एंगल थीटा इसके साथ है, ये समय ना बेटा एक बार, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये बेटा ये लाइन ड्रॉ किया तूने, ये ड्रॉ किया ऐसे, और ये एंगल थीटा आ गया ऐसे, और ये थीटा एंगल है, और यहां से ये ऐसे ड्रॉ किया 90 डिग्री पे, ये क्योंकि ये आर है, ठीक है बेटा, ये आर है, तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब मेरा पॉइंट सुनो जबरदस्त, तुम्हारे पास पॉइंट ये वाला था, वो जो पहले से लिखा ये वाला, अब ये जो नया पॉइंट आ गया ना ओ डैश, ये वाला, यहां से इसका ये दूरी कितना दिया गया एक्स, फाइनल कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मास कैपिटल एम था और ये दूरी एक्स आ गई, और दूसरा पॉइंट ये था कि ये वाला दूरी तुम्हारे पास कितना है, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी है आर साइन थीटा, ये वाला, और कितना रह गया, ये दूरी कितना रह गया, ये वाला तुम देख पा रहे हो, इसके हिसाब से देख लो, अगर ये आर साइन थीटा, जैसे यहां से लेके यहां तक ये एक्स है, ये आर साइन थीटा, तो ये वाला दूरी कितना रह गया, ये वाला, ये वाला एक्स माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, x माइनस आर साइन थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया प्लस m इंटू एक्स माइनस आर साइन थीटा। अब इनिशियल और फाइनल दोनों ही इक्वल हो गए, यहां पे बेटे ये जीरो आ गया, ये कितना आ गया एम एक्स प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स माइनस एम आर साइन थीटा, बस कहानी खत्म, यहां से एक्स आ गया स्मॉल एम इंटू आर साइन थीटा बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मैं तुम्हें ये चीज एक बार फिर से सभी को दोबारा बता रहा हूं, दोबारा, तुम्हारे पास ये था ऐसे, अब हुआ क्या, हुआ क्या, ये ऐसे डिस्प्लेस हो गया और ये तुम्हारे पास अब की लोकेशन ये वाली आ गई, अब की लोकेशन ये वाली आ गई, ये वाली लोकेशन आ गई,
ये वाला, अभी कितना एंगल दे रखा है तुम्हें, ये वाला, ये आर है, ये थीटा है। अब यहां से तुम्हें बताना है बेसिकली ये दूरी तुम्हें एक्स निकालनी है कि एक्स कितना है। और नो डाउट मैं तुम्हें अभी बताया एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल दोनों बराबर होंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो फोर्स, इस वजह से एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल दोनों इक्वल है। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि एक्स इनिशियल तो तुम्हारे पास जीरो ही आएगा। तुम बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूंगा बेटा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू। तो बेटे एक्स वन जो आया वो कितना आया इसका, इसका चलो इसको मान लो एम वन है, इसका कितना आया एक्स कोऑर्डिनेट, जीरो, क्योंकि इसको तो ओरिजिन मान चुका है और ये जो मास था ऑलरेडी इसके टॉप पे था लॉन्ग वाई एक्सिस ही था, इसकी वजह से इसका एक्स टू भी जीरो आया, दोनों का एक्स जीरो आया, इस वजह से एक्स इनिशियल जीरो आ गया। अब तुम बोलोगे सर एक्स फाइनल कितना आया, मैं बोलूंगा बेटा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दे। अब मैं तुम्हें इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स बताता हूं, ये जो मास एम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, ये वाला, इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया ये, और ये जो वेज है वेज का ऑलरेडी तुम ये वाला ले चुके हो, ये एक्स है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम पहले लिख दोगे, मैं लिख देता हूं, इधर लिखोगे मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक या लोकेशन ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ वेज, ये तुमने पहले लिखा था। तो मास ऑफ ब्लॉक तो तुम्हें एम ही लिखना है, स्मॉल एम। अब ये आ गया तुम्हारे पास एक्स बी। अब तुम बोलोगे सर एक्स बी किसके बराबर है, अब देखो एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये इधर है, ये 90 है बेटा, ये आर है, ये तुम्हारे पास कितना है आर साइन थीटा, समझ रहे हो ना। मैं इसी पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसी को देख के ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ही कोई ना हो, ठीक है। ये देख ये आ गया बच्चा, ये कितना आया थीटा आया ना तेरे पास, ये बच्चे आर है, ये कितना आया तेरे पास आर साइन थीटा। और यहां से इसका ये दूरी कितना है एक्स, अब ये कितना है आर साइन थीटा। तो तूने इसी का नाम तो एक्स बी रखा था, ये जो मैंने कलर लाइन ड्रॉ की है, तुम्हारे पास एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल एक्स है उसमें से तू क्या माइनस कर रहा है आर साइन थीटा। ये ब्लॉक के लिए आ गया तुम्हारे पास मास ऑफ ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, बच्चा क्लियर हो गया। प्लस ये तुम्हारे पास पहले यहां पे था, अब ये इधर आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया एक्स आ गया, टोटल मास एम आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। अब एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल बेटा दोनों के इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल है बेटे एम इंटू एक्स माइनस एम आर साइन थीटा प्लस एम इंटू एक्स इस बार जीरो, क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों जीरो ही है। यहां से जब तुम एक्स निकाल रहे हो रीअरेंज करने के बाद ये आ रहा है बेटे एम आर साइन थीटा बाय एम प्लस एम, दिस इज द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, yes, sir. बेटा मेरी वॉइस क्लियर है सभी को, ओके तो ये मतलब एक मेथोडोलॉजी आ गई बच्चे कि हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, ओके तो ये एक जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है।
इसको तुम अच्छे से याद रखना। तुम्हारी तरफ से कोई डाउट और क्वेरी बेटा कुछ बताओ, मैं अभी अभी और क्वेश्चंस करने लगे। बेटा तुम्हारी तरफ से कोई डाउट या क्वेरी? ओके देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और करवाता हूं, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। एक हमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखी तो आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि ये ना एक प्लैंक है, प्लैंक समझ दो ना क्या होता है, टहनी बोलते हैं, टहनी प्लैंक, टहनी एक प्लैंक है, इसके ऊपर एक मैन खड़ा है, इसके ऊपर इसका मास है स्मॉल m, और ये आ गया एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मास ऑफ प्लैंक, और इसको हमने ऐसे एक सरफेस पे रखा है। कई बार क्वेश्चन में आइस दे दिया जाता है या स्मूथ सरफेस दे दिया जाता है। मेरा पॉइंट सुना, ये आ गई इनिशियल कंडीशन और ये मास ऑफ प्लैंक है। मान लो इसकी लेंथ जो है टोटल एल है, इसकी लेंथ जो है टोटल एल है। लॉजिक बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन मैन हैज मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, then how much plank get displaced, कितना जो है plank जो है वो displaced हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना plank जो है वो displaced हो जाएगा, how much that plank has displaced, तुम्हें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो करना क्या, ये तो इनिशियल कंडीशन तो मैं दे ही दी गई है, ठीक है। एक मिनट मैं तुम्हें कुछ इसमें ये चीज बता देता हूं, तो ये इनिशियल कंडीशन तो मैं दे ही दी गई है, क्या दिक्कत वाली बात है ना, मास ऑफ द प्लैंक। अब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से जब तुम लिखोगे बेटा तुम क्या बोलोगे, इसका मास एम है, इसको तुम ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के हिसाब से M का कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा, x प्लस मास ऑफ प्लैंक आएगा, और प्लैंक की दूरी सेंटर ऑफ मास की कितनी दूरी होगी बेटा, ये वाली कितनी, l बाय टू, क्योंकि प्लैंक एक लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास किस पे लाई करेगा, उसके मिडल में होगा, इस वजह से बेटे ये mp इंटू l बाय टू, और टोटल मास कितना आ गया, m प्लस mp, ये इनिशियल आ गया। अब सुनो हुआ क्या, ये सरफेस तो काफी है हमारे पास, हुआ क्या, ये जो प्लैंक था इसकी लेंथ एल है, इसको तुमने बेटा क्या किया, मान लो ये प्लैंक जो था पीछे को एक्स डिस्टेंस चला गया, एक्स डिस्टेंस, और तुम्हारे पास जो मैन यहां पे था अब वो इस एंड तक पहुंच गया, सेंटर तक पहुंच गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंटर ऑफ मास ये प्लैंक का टोटल लेंथ एल है, तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पे होगा ना, सेंटर ऑफ मासेस का मास ऑफ प्लैंक। अब लॉजिक सुनो, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये हमें पता है एक्स पीछे को जा चुका है, ये हमें पता है एक्स पीछे को जा चुका है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, मास ऑफ मैन इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या था बेटे, एल एक्स पीछे चला गया तो बाकी कितना रह गया, ये वाला एल माइनस एक्स, क्योंकि एक्स है और ये टोटल एल है बेटा, क्लियर हो गया, प्लस मास ऑफ प्लैंक। अब प्लैंक का दूरी तुम्हें पता है इस एंड से लेके
तुम्हें पता है प्लैंक का दूरी इस एंड से लेके यहां तक एल बाय टू है, और फिर यहां से लेके यहां तक, पर हमें तो बताना तो इसी लोकेशन से है क्योंकि इसी को तो ओरिजिन माना है, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक एल बाय टू था, एक्स इधर है तो ये कितना रह गया, एल बाय टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस एम पी। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल है क्योंकि यहां पे भी आएगा नो फोर्स, नो नेट फोर्स ऐसा बोल सकते हो, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो बेटे एक्स इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल है, ये आ गया एमपी इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू m into l minus x plus mp into l by 2 minus x divided by m plus mp। बस कहानी खत्म बेटे, ये देखो एमपी एमपी कट गया ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, जो भी तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें आंसर देगी तो वही आएगा, अंतर आत्मा की आवाज सुनो तो वो आएगा m into l, तो डिस्टेंस मूव किया डिवाइडेड बाय m प्लस mp। सॉल्व करने के बाद इसको कॉपी पे जरूर सॉल्व करना एक बार। अच्छा क्लियर हो गया, अच्छा ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को।